आज मैं बना रही हूँ करेले की सब्जी। करेलों को मैंने कट करके 1 घंटे पहले नमक के पानी में भिगो दिया था और अब मैं इन्हें कुकर में डाल रही हूँ। इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक और पानी। तीन सीटी आने के बाद मैं इसे उतार लूंगी। कुकर को मैं उतार लूंगी। मैंने पैन में तेल डाल दिया है। हल्दी, लहसुन, कश्मीरी लाल मिर्च, सौंफ, कलौंजी, मेथी दाना, जीरा, धनिया पाउडर, नमक, गुड़, प्याज। और अब मैं तड़के में डाल रही हूँ सौंफ, कलौंजी, मेथी दाना। इसको चलाने के बाद मैं डाल दूंगी प्याज। और अब मैं इसको अच्छी तरह से चलाऊंगी। और डालूंगी लहसुन। कलर चेंज होने तक बीच बीच में चलाती रहूंगी। तो प्याज हमारा हो चुका है और मैंने डाल दी है हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और अब मैं डालूंगी करेले और डालूंगी नमक। कुछ देर चलाने के बाद मैं इसे ढककर रख दूंगी। गैस धीमी करके अब मैं इसे अच्छे से चलाऊंगी। और चलाने के बाद मैं इसमें नींबू का रस निचोड़ दूंगी। और अब चलाने के बाद मैं इसमें डालूंगी गुड़। और मिक्स होने के लिए मैं इसे फिर से ढक दूंगी। तो अब मैं इसे खोलकर चलाऊंगी। और आप देख सकते हैं कि हमारी गुड़ पिघल गई है। करेलों को हम 2-4 बार ऐसे ही चलाते रहेंगे।
और 1-2 मिनट के लिए धीमी आंच पर छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं करेले हमारे लगभग तैयार हो चुके हैं। अब मैं डालूंगी इसमें फ्राई किया हुआ प्याज, और इस प्याज को मैं मिक्स कर दूंगी। और अब डालूंगी धनिया जीरा पाउडर। कुछ देर और चला लेते हैं। और हमारे करेले की सब्जी बनकर तैयार है। तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी और आप देख सकते हैं कि सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है। ये सब्जी खाने में भी टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।